वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? तो आज मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ जम्मू कटरा माँ वैष्णो देवी के मंदिर। जी हाँ दोस्तों, वो हमारी कुलदेवी हैं साथ में। तो आज का स्पेशल ब्लॉग, तो ब्लॉग को पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें। तो मिलते हैं रास्ते के अंदर और अच्छे अच्छे व्यू दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ट्रेन में बैठ चुके हैं, जम्मू तवी ट्रेन है। तो ये ट्रेन हमें वैष्णो माता टेम्पल के पास छोड़ा है, कौन सा साधन लेते हैं और माता के दरबार तक पहुँचेंगे। तो उससे पहले जितने भी रास्ते में पहाड़ या कोई अच्छे सीन या कोई अच्छा व्यू आएगा तो वो मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो अभी हम जम्मू पहुँचे हैं और इसके आगे है कटरा और वहाँ तक पहुँचेंगे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से हम कुछ पीने का देखते हैं। तो हमें मिला है लिमका, तो लिमका पीते हैं और अपनी गर्मी को थोड़ी सी दूर करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम जम्मू से निकल चुके हैं और पहाड़ स्टार्ट हो चुका है, आपको जैसे दिख रहा होगा। और यहाँ से नियर अबाउट वैष्णो देवी टेम्पल जो है 80 किलोमीटर है। देखते हैं क्या कुछ आपको रास्ते में देखने को मिलेगा, कितने अच्छे व्यूज दिखेंगे जम्मू के। तो अभी जम्मू से हम निकले ही हैं। तो अभी तो पहाड़ों पर आपको मोड़ दिखाएंगे कैसे कैसे रास्ते हैं, कैसे कैसे खाइयाँ हैं। तो देखो नीचे घर भी कितने सुंदर सुंदर बने हुए हैं और बादल देखो कैसे अच्छे हैं। तो जम्मू का मौसम भाई एक नंबर ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम बेस्ट। बादल देखो कितने बेस्ट लग रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों कैसे सुंदर सुंदर पहाड़ हैं आपको दिख रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर जरूर करना ताकि मैं आपके लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो बना के लेके आता रहूं। भाई जंगल और पहाड़, क्या ही नज़ारे हैं जम्मू के। एकदम मस्त लग रहा है भाई, एकदम जबरदस्त है। पहाड़ बिल्कुल शानदार, कभी नहीं ऐसा सुंदर नज़ारा देखा मैंने यार। पहली बार जम्मू आया हूँ, पहली बार कटरा जा रहा हूँ, इतने सुंदर सुंदर सीन व्यू देखने को मिल रहे हैं, एकदम मन खुश हो गया यार। इतनी हरियाली पहाड़ों के ऊपर ज़बरदस्त, इतने सारे पहाड़, सुंदर बादल दिखाई दे रहे हैं, एकदम मस्त। तो दोस्तों बस हम अभी नीचे उतरे हैं रेलवे से और वैष्णो माता के धाम पर पहुँच चुके हैं हम। तो आप ऊपर पहाड़ देख रहे हो, कितने शानदार लग रहे हैं यहाँ पे कटरा के पहाड़। तो आप देख रहे हो बादल कैसे पहाड़ों के बीच से निकल रहे हैं, एकदम शानदार मौसम हुआ पड़ा है। इतना ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे आकर कि मन खुश हो चुका है, एकदम बहुत ही बेस्ट लग रहा है। एकदम इतना अच्छा नज़ारा, इतना सुंदर नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा, एकदम बहुत ही खुश हूँ मैं। तो ये जो आप रेलवे स्टेशन देख रहे हो ये पहाड़ के ऊपर है और थोड़ा सा काट के पहाड़ के नीचे मतलब पटरी बिछाई गई है, तो उसके ऊपर से ट्रेन आते हैं। और टर्मिनल की वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा अंधेरा था और मैं थोड़ा सा थक गया था तो मैं थोड़ा सा सो गया। और अभी देखो कितना सुंदर नज़ारा बना हुआ है, एकदम मस्त। क्योंकि जब जम्मू तक पहुँचे उस टाइम बहुत गर्मी थी मेरे दोस्तों, और जम्मू से जब आगे आए तो एकदम शानदार मौसम हुआ पड़ा था, एकदम ठंडा इलाका क्योंकि इधर साइड पहाड़ काफ़ी सारे हैं और तो बारिश वारिश होती रहती है। और अभी भी बादल देख रहे हो आप कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। तो सुंदर सुंदर जगहों का आप आनंद उठाओ। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं माँ वैष्णो धाम और एक सीन हो चुका है, हमें पता चला है कि आगे मोबाइल आपका जमा कर लिया जाएगा तो आगे वीडियो बनाने नहीं दिया जाएगा, तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे आगे। तो जो भी सीन जहाँ तक मंदिर है वहाँ तक तो जो भी सीन मिला तो हम वो ज़रूर कैप्चर करेंगे और जितना हमसे हो पाया हम उतना वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और वो आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे, तो वहाँ जाना है। अभी देखते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे होटल में फिर आगे चलते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं दोस्तों होटल में, तो अब यहाँ रुकेंगे, नहाएंगे, फ्रेश होएंगे और फिर हम बाल गंगा के दर्शन करने जाएंगे। तो हम सबसे पहले एंट्री करवा लेते हैं, हमारी एंट्री हो रही है होटल के अंदर। टाइमिंग आधार नंबर डाल रहे हैं हम अपना, यह है होटल, हमें यहाँ होटल मिला है। आपको मैं कमरा दिखाता हूँ। तो हमें कमरा कौन सा मिला है, तो ये है भाई, हम पावन धरती पे आए हैं माँ वैष्णो।
तो ये कमरा मिला है हमें एकदम बेस्ट। रेस्ट करते हैं एक दो तीन चार घंटे आराम से और उसके बाद हम निकलेंगे बाल गंगा के दर्शन करने के लिए। एसी दिया है, एसी चलाया नहीं है अभी तक इन्होंने, तो अभी हमने बात की है कि ले लो कुछ और एक्स्ट्रा और एसी चला दो कम से कम, तो अभी एसी चलेगा और रेस्ट करके हम फिर निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब होटल से चेकआउट का टाइम हो चुका है, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे बाल गंगा के दर्शन के लिए। तो अभी खाना पीना भी हमारा हो चुका है, नहा भी लिया हमने अच्छे से, फ्रेश हो गए, कपड़े आप देख रहे हो चेंज हो चुके हैं, तो बस अब निकलते हैं बाल गंगा के दर्शन करते हैं और माँ वैष्णो देवी के मंदिर पे पहुँचते हैं और उनके दर्शन करते हैं। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं बाल गंगा के लिए, तो वहाँ तक हमें ये गाड़ी मिली है, उससे आगे तो पहाड़ी स्टार्ट है, पहाड़ की चढ़ाई स्टार्ट है, तो जहाँ तक ये गाड़ी जा रही है वहाँ तक हम जाएंगे, हमने ये बुक किया है, तो वहाँ तक सबसे पहले जाते हैं और बाल गंगा देखते हैं और आगे हम निकलते हैं। ऊपर देखो ये चढ़ाई हमने चढ़नी है, और हम सबसे पहले जा रहे हैं बाल गंगा के दर्शन करने जहाँ मैया ने अपने केस धोए थे। तो हम जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अब हम बाल गंगा पहुँच चुके हैं, ये उसकी एंट्री गेट, अंदर शायद कैमरा अलाउ नहीं है तो आप यहीं से दर्शन कर लो, और मैं अपने मोबाइल को बंद करता हूँ। तो जी दोस्तों हम 3 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, नीचे से नीचे देखो कितने छोटे छोटे लाइटें दिख रही हैं आपको, कितने अच्छे लग रहे हैं, और टाइम हो चुका है अभी 11 बज चुके हैं एकदम, पूरे 11 बज चुके हैं अभी, और अभी भी बहुत सफ़र बाकी है, अभी तो तकरीबन 11 किलोमीटर अभी माँ वैष्णो देवी के धाम जाएंगे, और उससे आगे या 2-3 किलोमीटर भैरव बाबा का मंदिर है तो वहाँ भी जाना है, तो अभी काफ़ी चढ़ाई बाकी है। अभी तो हम 9 बजे स्टार्ट किए थे और अभी 2 घंटे में हमने सिर्फ 3 किलोमीटर कवर किया है, 2 घंटे में हमने सिर्फ 3 किलोमीटर कवर किया, बहुत ही कम कवर किया है। नीचे लाइटें देखो कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो अभी देखो अभी और ऊपर जाएंगे तो ये लाइटें कितनी छोटे छोटे हो जाएंगे, क्या ये लाइटें ऊपर से दिखेंगी या नहीं दिखेंगी वो तो ऊपर जाके पता चलेगा। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 12 और हम 6 किलोमीटर पहुंच चुके हैं, मतलब 6 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके हैं, और अब अध कुमारी माता जी के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही स्टेप और उनके मंदिर में हम एंट्री करेंगे, और आपको मैं नीचे का व्यू दिखाता हूं थोड़ा सा। देखो दोस्तों हम कितना ऊपर आ चुके हैं कि नीचे की लाइट आपको कैसी दिख रही है देख लो, और ये रास्ता अध कुमारी माता जी के मंदिर जा रहे हैं, तो अभी हम ऊपर चढ़ेंगे और उनके दर्शन करेंगे, अगर कैमरा अलाउ हुआ मोबाइल का तो हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 1 का और हम पहुँचे हैं अभी अध कुमारी मंदिर के पास, वो आप देख रहे हो माता जी का मंदिर, तो अभी यहाँ से है 5:30 के करीब और ऊपर चढ़ाई चढ़ना है, तो 7:30 तो हम नीचे से आ चुके हैं, 5:30 और 2 किलोमीटर और आगे ऊपर चढ़ाई जाना है हमें। सो लाइक और कमेंट कर देना। तो दोस्तों 7.5 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँचे हैं अध कुमारी, तो आपको मैं यहाँ का मंदिर दिखाता हूँ, अंदर मोबाइल लेके जाना अलाउ नहीं है तो मैं बाहर से आपको दर्शन करा देता हूँ। तो ये है दोस्तों अध कुमारी माता जी का मंदिर, ये भवन, मम्मी। तो दोस्तों टाइम हो चुका है 2:00 और 2:00 और अभी हम माता जी के मंदिर से माथा टेक के आए हैं अध कुमारी माता जी के, और अब हम जा रहे हैं वैष्णो माता जो मेन मंदिर है जो हमारी कुल देवी माता है उनके दर्शन करने, तो आप लोग भी वीडियो के साथ बने रहें और माता जी के दर्शन करें। जैसे कि यहाँ आपको मेन मंदिर का सीन आपको नहीं दिखाया गया क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, मोबाइल से वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो शायद ऊपर भी ना हो, तो उसके लिए मैं समझ आता हूँ,
और अगर कुछ हुआ दिखाने का तो वो हम दिखाएंगे पूछ के, नहीं तो नहीं। सो वीडियो में, सो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो कैसे हो दोस्तों? तो अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है चलते चलते, और अभी भी 2 किलोमीटर बाकी है ऊपर चढ़ाई। तो बाकी मेन मंदिर हमें दिखाई दिया है, अभी मैं आपको दिखा, ये नीचे से ऊपर जाना है। और बारिश भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से बदल बदल हुआ पड़ा है, बारिश भी का टाइम हुआ पड़ा है। देखो रात के 3 बजे भक्तों की लहर देखो कितनी है, भक्त देखो कितने जोश के साथ जा रहे हैं। बाकी अपन तो माता रानी की पूरी कृपा है भक्तों के ऊपर, एकदम भक्त अपने जोश के साथ मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। इंतजार की घड़ी खत्म हुई, हम पहुंच चुके हैं हमारे कुल देवी माँ वैष्णो देवी जी के मंदिर, और बस यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर रह चुका है और टाइम हो चुका है सुबह के 3:15, और आपको मैं आगे का व्यू दिखाता हूँ। तो हम मंदिर बस कुछ ही दूरी के हैं, तो हम मंदिर बस पहुँचने वाले हैं, कुछ ही दूरी रह चुके हैं मंदिर। और वैसे तो हमें ऊपर भी काफ़ी जाना, अभी भैरव बाबा जी का भी मंदिर है आगे। तो बाकी आप लोग एक बार इसको देखो, शायद वहाँ पर भी मोबाइल यूज़ करने ना दिया जाए। अभी तो मेन मंदिर आगे है तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो माता जी के मंदिर आगे हैं, इससे आगे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है तो हम यहीं तक बनाएंगे। सो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, तो अभी हम जस्ट ही दर्शन करके निकले हैं और हमें मोबाइल मिला है हमारा। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे भैरवनाथ जी का दर्शन करने, वो जो कि माता के दरबार से 3 किलोमीटर और पहाड़ के ऊपर रहते हैं। तो वहाँ जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं और आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं। अगर वहाँ कैमरा अलाउ हुआ तो वीडियो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो दोस्तों शाम 7 बजे के चलते चलते सुबह के 5 बज चुके हैं, 5:15 और दिन हो चुका है, और अभी तक जो भैरव नाथ का मंदिर है वो अभी भी 1.5 किलोमीटर पड़ा है। माता जी के दर्शन बहुत अच्छे हुए और काफ़ी टाइम स्पेंड किया, और अब जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ये है रास्ता, तो चलो चलते हैं वहाँ देखते हैं। दोस्तों ये था माता जी का मंदिर और हम भैरवनाथ की आधी यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं और आधा रह गया है, 1.5 किलोमीटर के करीब, सॉरी। तो हम आधे से ज़्यादा रास्ता कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ 0.5 किलोमीटर रह चुका है यहाँ से भैरवनाथ जी का मंदिर। तो जाते हैं और आपको वहाँ का व्यू दिखाते हैं, और माता जी का मंदिर देखो ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये था भैरव बाबा जी का मंदिर, तो अंदर वीडियो शूट करने को नहीं मिला। तो दोस्तों ये था भैरव बाबा जी का मंदिर, तो अंदर वीडियो शूट करने का नहीं मिला। और इधर देखो पहाड़, कैसा लगा वीडियो आप सभी को, लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। इसी तरह का ब्लॉग देखना चाहते हो तो लेके जाएगा।
वैष्णो देवी और भैरवनाथ जी का। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करना ताकि मैं इसी तरह के ब्लॉग आप सभी के लिए लेके आता रहूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू, मिलते हैं अगली मस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खाते पीते रहें। दोस्तों लास्ट वाली माता जी को प्रणाम बोल देते हैं और हम लोग बस निकल रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं हम लोग। देखो पहाड़ पे जैसे धूम से आ रहे हैं, जैसे बादल आ रहे हैं। नहीं बस निकल रहे हैं यहाँ से। अभी मौसम ऐसा हुआ पड़ा है, देखो चारों तरफ एकदम ठंडा माहौल, एकदम धुंध जैसा है। बादल के एकदम जो छोटे छोटे कण होते हैं वो आए हुए हैं। वाओ एकदम मस्त, देखो चारों तरफ कोई पहाड़ नहीं दिखाई देंगे आपको, सिर्फ ओनली वाइट 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 वाइट। मैं आपको और करीब से जाके दिखाता हूँ। सिर्फ बर्फ ही बर्फ, इतना कूलिंग कूलिंग कितनी है कूलिंग यहाँ। वाओ एकदम मस्त नेचुरल एसी, इतनी कूलिंग। देखो भाई दोस्तों ये एकदम ऐसे लग रहा है जैसे पूरा ठंड का माहौल बना हुआ। तो अभी हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं, टाइम हो चुका है एक का और यहाँ से अब 6 किलोमीटर और नीचे पड़ा है अभी हमें जाना है कटरा। तो अभी यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही बेस्ट हुआ पड़ा है, एकदम ठंड का महसूस हो रहा है, एकदम धुंध सी लगी हुई है, एकदम चारों तरफ बादल ही बादल बने हुए हैं। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा और अब हम जा रहे हैं नीचे, काफ़ी नीचे आ चुके हैं और यहाँ से देखो मंदिर कैसा दिखाई दे रहा है अभी। तो अभी और काफ़ी नीचे जाना है और ट्रेन भी है। तो अभी देखो बादल का बादल जो है वो छाया हुआ है, एकदम थोड़ा थोड़ा मध्यम से धूप है और बहुत ही सुहाना मौसम बना हुआ है, एकदम मस्त लग रहा है, एकदम ज़बरदस्त। तो आपको यहाँ पे हेलीकॉप्टर का भी सुविधा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों आप हेलीकॉप्टर से भी माता के भवन जा सकते हो, वहाँ से तकरीबन कुछ ही दूरी रहती है। तो आप अपना हेलीकॉप्टर के द्वारा भी आप पहाड़ के ऊपर जा सकते हो। सो सबसे हार्ड वर्क इनका है जो नीचे से यात्रियों को ये लोग भवन तक लेके जाते हैं। पहले अर्धकुमारी माता तक जो है माथा टिकाते हैं मंदिर तक, फिर उसके आगे वैष्णो देवी, फिर उसके आगे भैरवनाथ के मंदिर तक लेके जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क ये लोग करते हैं। एक डोली में ये लोग पालकी में मतलब 4 लोग होते हैं जो नीचे से ऊपर तक यात्रियों को लेके जाते हैं।
सो थैंक यू। तो हम रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा? तो अच्छा लगा ब्लॉग तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय माता दी, आप सभी की यात्रा सफल हो जो जो यहाँ पे आते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी।